ताकि जाए, हमको आप हमारी पंक्तियों के लिए याद करिए। हम आपको एक गड़गड़ाहट के लिए तो याद करेंगे, लेकिन आप हमें याद करिएगा हमारी पंक्तियों के लिए। इच्छाओं के उठते फिर वे कोई दिक्कत होती है तो ये इस नंबर पर संपर्क कर सकती है। इसी में से बच्चे बनेंगे, इसी में वो जब कभी आप टीवी देखते हैं सड़कों पर दुर्घटना संचालन नहीं करेंगे, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल में भी हंसी याद आएगी नानी को पद याद करिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग गाड़ी पर तो दौड़ कर बैठ लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं लगाते हैं। बच्चों वो तुम्हारे माता पिता हम सोच रहे हैं गंगा स्नान करने की। वाह वाह महाराज जी, कितना अच्छा विचार आप वो धूरे हैं। दो ही चले, तीन आदमी जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो जो गाड़ी चलाता है उसको चलाने में दिक्कत होती है। एक ला रहा काम क्यों किया जाए कि हड्डी टूटे, काम वो करे जिससे हड्डी मजबूत हो, कि हड्डी टूटे, हड्डी टूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए किसी ने लिखा बहुत बहुत जरूरी। दो पहिया पर तीन सवारी, दो पहिया पर तीन सवारी, दुर्घटना भारी, दो पहिया पर तीन सवारी, हो सकती दुर्घटना भारी, दो पहिया पर सवारी के चलने के नियम दो ही होती हो। जब शासन ने, सरकार ने, न्यायालय ने, RTO ने, सभी ने नियम बनाया है कि बाइक से दो ही सवारी चले तो तीन क्यों कर रहे हैं? तीन चलने का मतलब होता है कोई दुर्घटना अगर होगी तीनों तीनों खराब होंगे तो तीनों बन जाएंगे। इससे अच्छा है कि दो से कोई बनाया गया दो ही चले। तीन आदमी जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो जो गाड़ी चलाता है उसको चलाने में दिक्कत होती है। सभी अपने परिजनों के लिए विलाप करती है, बड़ा हृदय बदारे घटनाएं होती हैं। जब कभी हम लोग सड़क पर दुर्घटना को देखते हम तो शायद लौट कर रोटी खाना भी मुनासिब नहीं हो पाता है और हमें यातायात नियमों का पालन करने के लिए कुछ कुछ बताया जाए। घर से निकलते समय दुर्घटना से बचना है, सोच समझ कर अगर चलोगे की हड्डी याद आएगी। नानी छेड़खानी करता है, कोई आपके कमेंट करता है तो आप इस नंबर पर 112 नंबर पर डायल कर सकते हैं। 102 स्वास्थ्य सेवा, ये प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के लिए नंबर चलाया गया है, प्रसूति सेवा। थाने के इंस्पेक्टर साहब आए थे, बता गए थे नियम नियम नंबर चलाने से पहले हेलमेट का प्रयोग जरूर। 12 बजे के बाद जितने पार्टी दुर्घटना और में आने लगती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि पार्टी को चलाएं कब से आप हो सकती है दुर्घटना भारी, दो पहिया पर तीन सवारी, हो सकती है दुर्घटना भारी। अब इसको मैं समझाऊंगा, योग्य है अपने घर में जिसको बताएं कि दुर्घटना के तीन प्रमुख कारण है नशा और तेज रफ्तार। उन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात तो वाहन चलाने में एक्सपर्ट हो, वाहन चलाने का उनके पास जो अनुज्ञा पत्र होता है जिसको आप अंग्रेजी में DL कहते हैं, DL जरूर रखें। उससे कई फायदे होते हैं, दुर्घटना हो जाने पर भी परिवारजनों को सरकार उचित मुआवजा देती है, लेकिन जब अनुज्ञा पत्र ही नहीं रहेगा, DL ही नहीं रहेगा तो वो मुआवजा पाने की प्राप्ति नहीं हो पाते। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन जीवन से जुड़ी हुई चीजें ये हैं। दोनों लोगों के हेलमेट पहना दो, दोनों लोगों को हेलमेट पहनाओगे जरूर पहनाइएगा। पिताजी जा रहे हैं, घर में हेलमेट रखा है, भूल गए तो आएंगे तो सावधानी बरतनी जरूरी है ना। ये हम पढ़ा रहे थे यातायात के नियम नहीं मानोगे तो जान चली जाएगी, कितने यातायात का नियम मानो। एक बार फिर से किनारा या दे दें अपनी जान, चलना है
जमीन और तेल रखा। आज अगर वो अनुभव आपको होता किसी दुर्घटना स्थल पर जाने का और वहां की स्थिति को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, तो शायद आप लोग भी अपने अपने घरों में जरूर 5 मिनट समय देंगे। कार्तिक बहुत नींद में बच्चों को आया था, लेकिन बच्चों की उम्र देख करके मैं यहाँ पर जो शिक्षक बैठे हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आज के नियमों को सम्मान से यातायात नियमों का पालन करेंगे। कभी भी नशे की स्थिति में